नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम नालागढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर अभी मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट फ्लैश फ्लड का जारी किया गया है। और प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वक्त बारिश हो रही है। लगातार पिछले 3-4 घंटों से वहां पर बारिश हो रही है और मंडी के कुछ एरिया में भी आज बारिश हो रही है। जिन एरिया को लेकर, जिन जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड की चेतावनी यानी भारी बारिश के साथ नदी नालों में बाढ़ आ सकती है, पूछे पर इन 3 जिलों के कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, तो उसमें है शिमला, शिमला के साथ कांगड़ा और कांगड़ा के साथ चंबा। 3 जिले उसमें शामिल हैं जहाँ पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी है। हालांकि यदि मौसम विभाग की माने तो आज और कल जो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी कम होगी, लेकिन 10 जुलाई से एक बार फिर से मॉनसून हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा 10 से 12 जुलाई के बीच में। लेकिन 3 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से थोड़ी चेतावनी दी गई है। और शिमला में तो करीब, शिमला शहर में भी इस वक्त बारिश हो रही है, पिछले 3-4 घंटों से लगातार जारी है। और शिमला और सिरमौर जिला को लेकर पिछले कल भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया था, तो शिमला जिला में इस वक्त झमाझम बारिश पिछले कल भी हुई। सिरमौर के कुछ एक क्षेत्रों में जो मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी दी गई थी तो उसके अनुसार कुछ एक जगहों पर वहाँ पर भी भारी बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का जिस तरह के पूर्वानुमान होता है तो कई बार क्लियर भी किया कि पूरे जिले के लिए नहीं बल्कि कुछ एक जगहों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहती है। तो ऊना में धूप निकली है बिल्कुल जी, और नालागढ़ का इस वक्त आप मौसम देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का मौसम है, आसमान साफ है, बारिश की हालांकि संभावना तो बनी रहती है, मानसून है तो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ का मौसम साफ है। और मौसम विभाग की माने तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों के में के कुछ एक जगहों पर बारिश होगी और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 2 दिनों तक शायद मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो महेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और अभी रोड जो शिमला सोलन रोड है बिल्कुल ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईवे है और हाईवे पे जब बारिश हो रही है। सोलन जिला की बात करें तो सोलन जिला में इस बार मानसून मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार तो सामान्य से अधिक बारिश हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा इस बार नहीं हो रही है अभी फिलहाल। और नेशनल हाईवे बिल्कुल ठीक है। जितेंद्र तीसा में धूप है, तीसा की जानकारी नूर जी हमें इस वक्त दे रहे हैं कि वहाँ पर धूप खिली है। सुन्नी जिला में 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। जितेंद्र सिंह छोटेपा की ओर से जानकारी आई है। श्याम मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, महेश ठाकुर जी जुड़े हैं और ऊना में वो धूप बता रहे हैं। चमन ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मनाली में हल्के बादल आज छाए हुए हैं और चंद्रमणि भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत है। सुरेंद्र पॉल जी हमारे साथ अर्की में से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। इंदु अंजरानी जी शिमला से हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी इस वक्त सोलन से उपायुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़े हैं। सिरमौर में मौसम साफ है, बारिश कब होगी? संतराम नेगी जी, सिरमौर के कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन जो मॉनसून की अब गतिविधियां रहेगी, जो सक्रिय मॉनसून आएगा वो 10 जुलाई से और 12 जुलाई के बीच में प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश होगी और 10 जुलाई से मॉनसून ज़्यादा सक्रिय देखने को मिलेगा। 2 दिनों तक 8 और 9 जुलाई यानी आज और कल मॉनसून की जो गतिविधियां हैं वो थोड़ा सीमित दायरा हो चुका है। और मौसम विभाग की ओर से 3 जिलों में आज ज़्यादा एहतियात बरतने की और एडवाइजरी प्रशासन की ओर से जारी की गई है कि नदी नालों की तरफ मत जाएं, क्योंकि कुछ एक जगहों पर विशेषकर शिमला और शिमला के साथ कांगड़ा, कांगड़ा और चंबा यहां पर कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से दी गई है। बादल तो छाए हैं कई जगहों पर, कई जगहों पर धूप खिली है और 2 दिनों तक उस तरह का मॉनसून एक्टिव नहीं रहेगा जिस तरह का पिछले कल आपको पिछले एक सप्ताह से देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मॉनसून की जो गतिविधियां ज़्यादा होगी वो 10 जुलाई से 10 से 12 के बीच में होगी। दीपक
मुदगिल जी सुंदरनगर से जुड़े हैं, रवि चौहान जी, और शिमला में बारिश हो रही है। जेलदार मीरा डोगरा जी की तरफ से जानकारी आई है, क्योंकि शिमला में पिछले 2-3 घंटे से लगातार बारिश जारी है। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तुलसी राम जी का हम स्वागत करते हैं। रतन ठाकुर जी बता रहे हैं कि राजगढ़ में कुछ मौसम खराब है, कुछ बादल है, बारिश नहीं हो रही राजगढ़ की, वो जानकारी रतन ठाकुर जी दे रहे हैं। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। रूप सिंह जी बता रहे हैं कि सिराज में इस वक्त बारिश लगी है, मंडी जिला के सिराज में बारिश हो रही है। और पवन तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप ठाकुर जी बता रहे हैं कि रामपुर में भी बारिश हो रही है, तो शिमला में भी बारिश है, रामपुर में भी, और पराशर में भी हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। गुलाब सिंह ठाकुर जी की तरफ से यह जानकारी हमें आई है। और सनेट से हमारे साथ प्रेमचंद ठाकुर जी इस वक्त जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कि सायरी ममलिक यमुनानगर में भी बारिश हो रही, संजय मलिक जी की तरफ से जानकारी आई है। रामपुर में भी बारिश हो रही, प्रदीप ठाकुर जी की तरफ से जानकारी मिली है। और जुबड़हट्टी सायरी ममलिक कुनिहार स्पाटू कसौली नेरी बशील सनेट पट्टा बरौरी हरिपुर में हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, धुंध वहां पर छाई हुई है, और बादल इस वक्त काफ़ी बड़ा एरिया को इन्होंने कवर किया है। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नीलम अहलूवालिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, वीर रिक्की वासुदेवा जी जुड़े हैं, सुरजीत जी जुड़े हैं, रवि चौहान जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कुल्लू में कैसा मौसम रहेगा? कुल्लू में आज मिला जुला मौसम है, बारिश कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन उतनी संभावना यदि मौसम विभाग की माने तो 3 जिलों को लेकर ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। 2 दिनों तक प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 8 और 9 यानी आज और कल की बात करें तो मॉनसून थोड़ा ज़्यादा सक्रिय नहीं रहेगा, और यही वजह है कि मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान नया आया कि 10 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की जो सक्रियता है वो बढ़ेगी। 2 दिनों तक मॉनसून हमें यूं कह सकते हैं कि थोड़ा कमज़ोर रहेगा। प्रदेश के कुछ एक जगहों पर जहां पर बारिश होगी वहां पर झमाझम बारिश होगी। शिमला जिला, कांगड़ा और चंबा जिला के कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से थोड़ी चेतावनी दी गई है, अलर्ट जारी, फ्लैश फ्लड का किया गया है। तो लोगों से भी आग्रह रहेगा कि इन क्षेत्रों में नदी नालों की तरफ मत जाएं, कि प्रदेश के इन जिलों के किस जगह पर झमाझम बारिश हो जाए तो इसके बारे में कई बार होता है कि नदी नालों का आपके यहाँ मौसम जिस तरह का आप देख रहे हैं कि नालागढ़ में अभी मौसम साफ है, तो हो सकता है कि रामशहर की तरफ बारिश हो और नदी नालों का उफान पर आ जाए। तो इस तरह का मौसम बरसात के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है, तो यही वजह है कि प्रशासन द्वारा पर्यटकों से भी और स्थानीय लोगों से भी नदी नालों की तरफ ना जाने की सलाह दी जाती है। ये अलग बात है कि जो पर्यटक हैं वो इन बातों को समझते नहीं, और कई बार हमने देखा है कि पर्यटक नदी नालों की तरफ जाते हैं तो मुसीबत में भी फंसते हैं, परेशानी में भी फंसते हैं, और उसकी वजह से प्रशासन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। गंगाराम कठोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बेली राम जी बता रहे हैं कि बंजार में भी बारिश इस वक्त हो रही है, कुल्लू के बंजार में, और चूड़धार में की जानकारी कुलदीप ठाकुर जी दे रहे हैं। शर्मा ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र ठाकुर जी जुड़ गए हैं। कुलदीप ठाकुर जी, सैंज ठियोग में भी बारिश हो रही है। राज वर्मा जी की तरफ से जानकारी है कि सैंज और ठियोग में भी बारिश हो रही है। वीरेंद्र छोटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रघुवीर चौहान जी का स्वागत है। इंदर सिंह जी का, ठाकुर एचआर जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुल्लू में यदि हम देखें तो कुल्लू जिला में ओवरऑल की बात करें तो कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सैंज में बारिश हो रही है, बंजार में बारिश हो रही है, इस तरह की जानकारी दर्शकों के माध्यम से हमें मिली है। और राजवीर जी बता रहे हैं कि पिंड मंगलूर में सुबह बारिश हुई है, और पंजाब के मंगलूर की जानकारी आई है। खुबेराम जी हमारे साथ, शर्मा जी छतरी से जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रदीप हरीश ठाकुर जी और प्रदीप शर्मा मनसागर जी फागू ठियोग में
बारिश होने की संभावना है। फागू के बता रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो सकती है। पोल्ट्री किंग हिमाचल जी भी जुड़ गए हैं, करसोग में भी बारिश हो रही है इस वक्त। नंदराम शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है, जिला मंडी के करसोग में बारिश हो रही है। बाबूराम चौहान जी, सभी भाइयों को राम राम जी। संजय मलिक जी की तरफ से, कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और गंगाराम कटोच जी कोटखाई से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और फिस्तवन दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम ओवरऑल बात करें, पिछले कल की भी मौसम की बात करें, तो ईयर अलर्ट के बीच मिला जुला मौसम हिमाचल प्रदेश में कल रहा है। और शिमला में कल झमाझम बारिश कल हुई, शिमला में भी, कुल्लू किन्नौर जिला के, सॉरी सिरमौर जिला के कुछ एक जगहों पर बारिश हुई। कुल्लू जिले की दुर्गम पंचायत घाड़ा पारली के काथल गाँव में भूस्खलन से एक गौशाला ढह गई है। और प्रदेश में 41 सड़कें अभी बंद चली हुई है, 71 पेयजल योजना है, 7 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद चले हैं। और सोमवार और मंगलवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मैदानों और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहेगा कुछ एक क्षेत्रों में। 10 से 13 जुलाई तक फिर से मानसून सक्रिय रहेगा हिमाचल प्रदेश में। यदि रविवार को बात करें तो मंडी जिला में 27, शिमला में 7 और सिरमौर में 4 और कुल्लू में 2 और कांगड़ा के 1 सड़क पर आवाजाही बंद रही। इस तरह की स्थिति कल रही है। शिमला जिले में सबसे अधिक यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 59 पानी की योजना है वहाँ पर प्रभावित है। और बिलासपुर में 10 है, चंबा में 2 पेयजल योजनाएँ इस वक्त प्रभावित चली हुई है, जिसके कारण लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। और रामपुर में पिछले कल 33, सराहन में 11, वांगतू में 8, बजौरा में 5 और पांवटा साहिब में 4 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश का दौर थमने से नदी नालों का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले कल मौसम साफ रहा, आज भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है, और कल भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन 10 से 13 जुलाई के बीच में हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 3 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है, उसमें शिमला है, उसमें कांगड़ा जिला है और चंबा जिला है, जहां पर कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो तापमान में भी अब धीरे धीरे गिरावट हो रही है। शिमला में 22.5 है, बिलासपुर में 36.6 है, ऊना में 34.4 है, हमीरपुर में 33.4 है, मंडी में, धर्मशाला में 27.5 है, मनाली में 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राहुल सिंह रेक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिमला में बारिश हो रही है जी, अभी शिमला की वो जानकारी दे रहे हैं। कुल्लू में भी बारिश हो रही है, गोकुल ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है कि कुल्लू में भी बारिश हो रही है। और पोल्ट्री किंग हिमाचल, बेवजह सफ़र करने से बचे, घर पर ही सुरक्षित रहें। नहीं नहीं, ऐसी भी आज इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति भी नहीं है, लेकिन बेवजह तो सफ़र आज के दिनों में बरसात में थोड़ा बचना ही चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भूस्खलन सड़कों पर तो हो ही रहा है। और क्योंकि पिछले वर्ष के जिस तरह का रेस्टोरेशन का काम धीमी गति से और कई जगहों पर तो हुआ नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है। मौसम बहुत ख़राब है। मदन लाल जी बता रहे हैं कि मौसम बहुत ख़राब है। और दिलीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़ गए हैं। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि शिकारी देवी कमरूनाग में सुबह सुबह तेज बारिश हुई है और इस समय बादल वहां पर छाए हुए हैं। कमरूनाग और शिकारी देवी की ये जानकारी आई है। नंगल श्री आनंदपुर साहिब में भी मौसम साफ है। सोनू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और अरुण मोदगिल जी बता रहे हैं कि शिमला में इस वक्त बारिश हो रही है, शिमला की वो जानकारी दे रहे हैं। बिलासपुर में भी होगी, बिलासपुर में कुछ एक जगहों पर आज बारिश होने की संभावना जरूर है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का भी मानना है। सोलन की, नालागढ़ की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि नालागढ़ में उपचुनाव भी हो रहा है, कल परसों उपचुनाव होना है। और एरिया आप देखें कि आसपास के क्षेत्रों में जो
इंडस्ट्री बड़ी स्थापित है यहाँ पर, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बीबीएन, तो बीबीएन का एन नालागढ़ है। और नालागढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आप देखें कि मौसम तो फिलहाल साफ बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक माहौल यहाँ का बहुत गर्म है और इस बार फाइट भी यहाँ पर बड़ी टफ हो रही है। और राहुल सिंह रेखटा जी का स्वागत हम करते हैं, गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुल्लू में बारिश हो रही है वो जानकारी दे रहे हैं, गगन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, सर्वजीत जी धर्मशाला में भी बारिश हो रही है और धर्मशाला की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बारिश हो रही है कांगड़ा के। और लाभ सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है, तो करसोग की जानकारी, क्योंकि करसोग में बीच में बबलू ठाकुर जी पोल्ट्री किंग हिमाचल जी आजकल नालागढ़ से लाइव हो रहे हैं, सोलन से क्यों नहीं, नहीं नालागढ़ से लाइव नहीं, आज मैं कल नालागढ़ आया था तो तब आज यहीं रुक गए और यही वजह है कि आज नालागढ़ से ही लाइव हो रहे हैं हम। बबलू ठाकुर जी, टमाटर का क्या रेट है? बबलू जी टमाटर यदि हम रेट की बात करें तो हिमसोना 900 रुपये से लेकर और 1100 रुपये के बीच में रेट चला हुआ है टमाटर का, और बीच में कोई लॉट ज़्यादा महंगा भी बिक जाता है, हालांकि अभी तो बोलिए लगी नहीं है, लेकिन 900 से और 1100 रुपए के बीच में अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर है वो ज़्यादातर बिक रहा है। बीच में एकाधिक रेट 1200-1300 रुपए के बीच में कई बार बिक जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो टमाटर का क्रेट है हिमसोना की बात करें तो 900 से और 1100 रुपए के बीच में, और जो हाइब्रिड का टमाटर है वो मैक्सिमम रेट उसका 900 रुपए तक है, और बीच में 400 रुपए से 300 रुपए से बोलियाँ शुरू हो जाती है, गोली 200-300 रुपए के आसपास बिकती है, उसके बाद यदि ओले की मार पड़ी है टमाटर में तो 400-500 रुपए के बीच में। और अब किसान क्योंकि समझ गए हैं, क्योंकि लाल टमाटर की जो डिमांड है और वैल्यू है वो कम है, इसलिए कम मात्रा में ला रहे हैं और लाल टमाटर थोड़ा सस्ता बिक रहा है, क्योंकि व्यापारी बाहर के हैं, अब चंडीगढ़ के व्यापारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो बीच में अब लाल टमाटर की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। कुशल शर्मा जी बता रहे हैं कि रामपुर में अभी बारिश हो रही है, और जीत जी हमारे साथ रोपड़ से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है, और अन्ना प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजू शर्मा जी बता रहे हैं कि शिमला में बारिश हो रही है और हमीरपुर में बारिश होगी। त्रिलोक चंद जी, हमीरपुर में भी बारिश की तो संभावना, मानसून है, बारिश की तो संभावना है ही है, लेकिन मानसून दो दिनों के लिए इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं, थोड़ा कमज़ोर पड़ा है आज और कल, और 10 जुलाई से मानसून की जो सक्रियता है वो थोड़ी बढ़ेगी और प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में झमाझम बारिश उस दौरान होगी। अनिल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारद्वाज अंकुश शर्मा जी और कुशल शर्मा जी और गबरू करण जी, कांगड़ा में इस वक्त बहुत बारिश हो रही है, कांगड़ा की भी जानकारी है कि कांगड़ा में भी बारिश हो रही है, धर्मशाला में भी बारिश हो रही है, और मौसम विभाग का 3 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है, उसमें शिमला, चंबा और चंबा के साथ कांगड़ा जिला शामिल है। हालांकि 2 जिलों से तो इन्फॉर्मेशन बारिश की आ रही है, लेकिन चंबा से नहीं, क्योंकि चंबा के तीसा की जानकारी जो दर्शकों के माध्यम से हमें मिली है तो वहां पर तो बताया गया है कि अभी धूप खिली है, लेकिन हो सकता है कि दिन के समय मौसम विभाग की ओर से यदि हम देखें, और इसके अलावा जो मौसम विभाग के थोड़ी जानकारी होती है, सोलन है, सिरमौर है, शिमला है, मंडी है, बिलासपुर है, कुल्लू है, किन्नौर है, कांगड़ा है, तो यहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना ज़रूर बनी है। मौसम विभाग की ओर से जो हमें जानकारी है आ रही है, हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान है, और पोल्ट्री किंग हिमाचल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कांगड़ा में इस वक्त बहुत बारिश हो रही है, कांगड़ा के साथ शिमला में भी बारिश हो रही है, और कुल्लू के भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, मंडी जिला के भी कुछ एक क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश का दौर लगातार जारी है और कुछ एक जगहों पर इस तरह का मौसम बना हुआ है, मौसम थोड़ा साफ नज़र आ रहा है, हल्की हल्की धुंध छाई हुई है, मैदानी क्षेत्र है ये तो नालागढ़ का, नालागढ़ है और नालागढ़
मैदानी क्षेत्र है, कुल्लू के पहेली में भी बारिश हो रही है। नीमचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और जो जानकारी उनकी तरफ से मिली है तो उसके लिए उनका धन्यवाद भी है कि उनकी तरफ से कुल्लू के अपने क्षेत्र की उन्होंने जानकारी दी है। सभी दर्शकों से हमारा यह आग्रह रहता है कि आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर जानकारी दें, साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके क्षेत्र की भी जानकारी पहुंचे और आपके क्षेत्र के बारे में भी लोग जानें कि वहां पर किस तरह का मौसम है। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोगों का कार्यक्रम भी होता है कि फलाण के, और एक जिज्ञासा होती है कि किस तरह का मौसम कुल्लू में है या फिर प्रदेश के अन्य जिलों में है, तो आप लोगों के माध्यम से वो जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग अपनी जानकारी ज़रूर साझा करें। और तस्वीरें आप इस वक्त नालागढ़ की देख रहे हैं, नालागढ़ का यह नालागढ़ शहर है और काफ़ी सुंदर है और डेवलप काफ़ी हो गया है। अब चारों तरफ इंडस्ट्री है, बड़ी संख्या में यहाँ पर इंडस्ट्री है और विधानसभा का उपचुनाव नालागढ़ में हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार मुकाबला हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उगम राम शर्मा जी हमारे साथ करसोग के चौसी में तीन बजे से इस वक्त चौसी में बारिश हो रही है। उगम शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी इस वक्त मिली है कि तीन बजे से वहाँ पर बारिश इस वक्त हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह सुबह बारिश, उसमें प्रदेश की राजधानी भी है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं और इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। सुरेश ठाकुर जी, चायल में इस वक्त मौसम ख़राब है। सोलन जिला का चायल का क्षेत्र पर्यटन दृष्टि से पर्यटक स्थल है और पर्यटन की दृष्टि से वहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी विकसित भी है। बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए आजकल के दिनों में आ रहे हैं। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं शिमला से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है। बबलू ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू के सेंज में इस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही है। ईश्वरदास जस्टा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से हमें मौसम की जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो आज मौसम की अपडेट में तो फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। शिमला कांगड़ा और चंबा जिला और प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई क्षेत्रों में इस वक्त कांगड़ा में भी, शिमला में भी, मंडी जिला में भी और कुल्लू जिला में इस वक्त बारिश कई स्थानों पर वहां पर हो रही है और लोगों को नदी नालों की तरफ ना जाने की चेतावनी स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरे प्रदेश में जारी की गई है। क्योंकि नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जहां पर बारिश जिस तरह से पिछले कल पर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, वो मौसम साफ रहा, तो वहाँ पर नदी नालों का जल स्तर भले ही कम हो गया हो लेकिन कब बारिश हो जाए इसके बारे में मानसून के में कहा नहीं जा सकता। और किस जगह पर बारिश हो जाए तो नदी नालों की तरफ ना जाएं और नदी नालों के से दूर रहने का परहेज़ करें ताकि आप भी सुरक्षित रहें, प्रशासन भी सुरक्षित रहें। और मौसम के अपडेट में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं।